दोस्तों अज सरीह दे विच सरदार गुरप्रताप सिंह वड़ाला जी दे वल्लों धरना प्रदर्शन किया जा रहा, उन्हां नाल गलबात करदे आ ते जानदे आ कि ये की कारण। सर सति श्री अकाल जी। सर जिहड़ा अज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? अज सारे पंजाब विच समुचियां सड़कां किसानां वल्लों जथेबंदियां वल्लों ते श्रोमणी अकाली दल वल्लों चक्का जाम करके बंद कीतियां गईयां। किसानां दे नाल जिहड़ा बहुत वड्डा धक्का होया पिछे अपने कुछ दिन पहला केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट विच जिहड़े ऑर्डिनेंस पेश करके बिल लिआंदा ते उहनूं एक्ट बनाउण जा रहे आ, उहदे विरुद्ध अपनी पार्टी की लीडरशिप सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने विरोध किया। सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा देता केंद्रीय वजारत विचों। किसानां दा उस एक्ट नूं जदों होंद विच आया बणिया बहुत नुकसान होना है। सो किसान सारा अज पंजाब दा वपारी भी आढ़तिया भी मजदूर भी कामे भी जिहड़े मुलाजम है बेचारे वह भी गीतकार भी सारा पंजाबी आ जिहड़ा वर्ग अज इकट्ठा आ किसानां दे नाल। किसान अन्नदाता आ अपने पंजाब दा नहीं सारे देश दा, ते जे अन्नदाता दा नुकसान होवे या उहदे वर खिलाफ़ कोई आपां कानून बनाउण जा रहे हाँ जिहड़ा कि उहनूं नहीं चंगा लगता, जिस तों उहनूं डर लगता आ, जिस तों उहनूं कई खदशे ने, तो फिर इहदा तां जिहड़ा हैगा विरोध होना ही होना। पर सर कांग्रेस सरकार दे वल्लों तुहाडे ते वख-वख समें ते इल्जाम लगाए जा रहे आ कि जिहड़ा इह बिल पास हो रहा इह सरदार सुखबीर बादल साहब दी ते उहनां दी पत्नी दी मौजूदगी दे विच पास होया जी। पता की है जी, ये तो मौजूदगी तो बिल पास होया, लेकिन उन्होंने तो ये उल्ट वोट पाई है बिल दे। बादल साहब ने बीबी हरसिमरत कौर बादल जी ने लोग सभा में अपना इस्तीफा दिता, तो कांग्रेस ही चलो वॉकआउट करके चल गए, लेकिन कांग्रेस तो इतने कर रही है सियासत। जदों देखो पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आ, पंजाब के मुख्यमंत्री का फर्ज बनता सी कि वह दिल्ली को जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जाके जोर ना कहता कि ना लेके आओ, ये विरोध अपने होना बहुत उन्होंने किया। सवाल ये भी है कि जी बिल पास होने तो बाद इस्तीफा दिता गया, पहला क्यों नहीं इस चीज़ का विरोध किया गया? बिल पास होने तो पहला उन्होंने इस्तीफा दिता, राज्यसभा बिल बाद गया आ, एक बिल पहला लिया, दूजे दिन उन्होंने इस्तीफा देता, जिस दिन लोग सभा दो बिल लिया ये हजे तो एक्ट बनया ही नहीं गा। जो चलती सी चर्चा तुम देखो इतों तक भी आ कि असं यही नहीं कहें कि अपने अकाली दल का योगदान आ, लेकिन जो बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा दिता तो सारी ओपोजिशन उत्तों बाद कट्ठी हुई है। पर सर ये भी कहा जा रहा है कि जिदा हुण अकाली दल भाईवाल पार्टी रही आ, तो तुहाडे वल्लों भी कई बार स्टेजा ते कहा गया कि 9 मार्च रिश्ता, तो हुण अकाली दल दे वल्लों इस्तीफा दा दे दिता गया, पर उन्हां नूं पार्टी क्यों नहीं उन्हां दी छड्ड दित्ती गई? ये देखो अलायंस बहुत पुराना है, अलायंस अकाली दल ने सब तो पहला ये अपना शामिल होए से NDA विच, तो जो समा आऊगा वो बारे भी फैसला पार्टी वालों लिया जाऊगा, लेकिन असी देखो अपने वालों तो चाहते हैं कि यदा कोई हल कढ़िया जाए, पर जिवें कहते बॉल इज इन BJP'स कोर्ट, BJP दे कोल आ हुण, जे BJP चाहे तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। सर ते आने वाले समय च की अकाली दल दे विधायकों वालों भी इस्तीफे दिते जाएंगे जे बिल वापस ना ले गया? नहीं देखो विधायकों ने इस्तीफा की देने, हुण तो साल रह गया इलेक्शन में, हुण तो एक साल का करोना जो खत्म होंदा गुरु साहब की मेहर ना तो इतने अपने बिगड़ बज जाना पंजाब की असैम्बली इलेक्शन का, असी भी दिते ना दिते तो एवं कह लो कोई खाम खा वाली गल है, कोई लोड़ नहीं है, पर इहदा अपने इनू वधिया तरीके नाल संघर्ष करना चाहिए, विरोध कट्ठे होकर करना चाहिए, पॉलिटिक्स कैप्टन साहब नूं करनी नहीं चाहिए। जिहड़ा कैप्टन साहब कह रहा सीगा कि MSP बंद होनी आ, चलो देखो असी किसान हाँ असी कहिंदे MSP बंद नहीं होनी चाहिए, जे झोना चक्या गया तो कैप्टन साहब नूं फिर पंजाबी पुछणगे ना कि तू तो कहिंदा MSP बंद होनी आ, जे अगली कणक चक्की गई फिर MSP तो रहेगी। ये बिल वक्रे से MSP वक्री सी, कैप्टन साहब ने किसानों के मोढ़िया रख के चलाई आ, तो उन्होंने सियासत खेडी आ, एडे जिहड़ा ना सेंसिटिव इशू आ संवेदनशील मसला उत्ते पॉलिटिक्स नहीं सी करनी चाहिए कैप्टन साहब नूं, हजे भी वेला आ पंजाब दे मुख्यमंत्री आ जोर ना जाके गल करन किसानां दी अपने मोदी साहब को। एक बारी भी कैप्टन साहब गए आ मोदी साहब को तो कह देन भी मैं जाके अपने विरोध किया प्रधानमंत्री को। आने वाले समय जे अकाली दल दी की रणनीति होगी? असी किसानां नाल खड़े हाँ, किसानां दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के संघर्ष करांगे, जिन्हां तक किसानां दी तसल्ली नहीं हुंदी ये जिहड़ा कानून आ जिहड़ा गलत बन रहा किसानों के विरुद्ध बन रहा, जिन्हें तक ये सोध नहीं लियांदी या अपने किसान संतुष्ट नहीं होंगे, तो अकाली दल किसानों की जमात आ अपने पेंडू पिंडां दी पार्टी आ, अकाली दल ने किसानों के नाल मोढ़े का मोढ़ा ला के खड़ के ये अपना योगदान पाउणा संघर्ष करना सब का साझा ही आ, असी अज नंबर बनाउण नहीं आए, असी अज अपना योगदान पाउणा आए हाँ,
पहले दिन अकाली दल ने अज अपना शमूलीयत की आ इस संघर्ष में, तो गांव भी असी किसानों के नाल खड़ा गे, सारा पंजाब किसानों नाल खड़ा, सारे वर्ग किसानों नाल खड़े आ। अगर किसानी खुशहाल आ तो व्यापार भी अपने खुशहाल होगा, तो मुलाजम भी खुशहाल होंगे, कारखाने भी चलेंगे। वड्डा योगदान एस ओ आई का रहा, तो साढ़े नाल मौजूद ने जिला जलंधर के प्रधान एस ओ आई के गुरविंदर सिंह गोनी जी, उन्होंने गलबात करते हैं तो जानते हैं। भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई। अज जिहड़ा तुहाडे वल्लों इन्ना वड्डा इकट्ठ किया गया, आने वाले समय से सानू इस तो भी वड्डा इकट्ठ देखने को मिलेगा जी? हाँ जी, जे सरकार ने ताना शाह सरकार ने बिल ना अपना वापस लिया तो अपनी एस ओ आई हाईकमांड तो एम एल ए गुरप्रताप सिंह वडाला जी के निर्देश के उत्ते होर इस संघर्ष में तिखा किया जाऊगा, तो होर इतों वध धरने लाए जाएंगे, चंडीगढ़ दिल्ली तक जाया जाऊगा। जेकर तुसी मर्दाना कमजोरी तो हो परेशान, जिमें नसा की कमजोरी, सैक्स इच्छा की कमी, बचपन च कीतियां गलतियां, तांत शिकर पतन, घट शकराणु जा पेशाब नाल विरज आना, तो हुण घबराउण दी नहीं लोड़। तुहाडी हर बीमारी का इलाज करनगे डॉक्टर ललित वर्मा। हुण कदों तक गुप्त रोगों नूं छुपाउंदे रहोगे? उम्र होवे 25 जां 80 साल, दर दर ना पटको, असी करांगे सफल इलाज। अनेक डॉक्टर हकीमां तों पुड़ियां खा के तंग आ चुके मरीज अज ही आओ, ताकत जोश अते जवानी लई आखरी उम्मीद। वर्मा आयुर्वैदिक दवाखाना, नाइयां वाला चौंक, फगवाड़ा। हुणे फोन करो 98144-6471, 98150-6471।